नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज एडुजेड। ईमानदारी का डिंडोरा पीटने वाले कोतवाल पूर्वा दलित छात्रा का पता लगाने में चारों खाने चित। योगी के राम राज्य में असुरों का बोलबाला, महिला एवं बच्चियां नहीं हैं सुरक्षित। योगी राज में घर से निकली बिटिया कब लापता हो जाए, किस हैवान की काली नजर पड़ जाए, कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में योगी की पुलिस का कार्य करने का तरीका इस बात की ओर इशारा करता है। अपराध करने वाले अपराधी बड़े सातराना अंदाज में निकल जाता है और योगी राज में पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। ऐसा ही एक मामला उन्नाव जनपद के पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के रतवसिया गांव का है, जहां पर 14 वर्षीय छात्रा घर से निकली थी विद्यालय पढ़ने के लिए। जब देर शाम तक वापस नहीं आई, माँ बाप को चिंता हुई और विद्यालय में जाकर जानकारी की तो विद्यालय प्रबंधक ने बताया है कि आपकी बेटी विद्यालय नहीं आई है। रहस्यमय परिस्थिति में गायब बिटिया जब घर नहीं पहुंची तो परिजन कोतवाली की गणेश परिक्रमा करने लगे। दबाव में आई कोतवाली पुलिस पूर्वा ने मुकदमा गुमशुदगी का दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक गायब दलित छात्रा का ना तो पता लगा सके हैं, ना ही कोई सुराग मिल सका है। ऐसा मानो कोतवाली पुलिस भी किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही है। मामला जब भीम आर्मी की चौखट में पहुंचा तो न्याय दिलाने के लिए उप जिलाधिकारी पूर्वा के समक्ष चेतावनी ज्ञापन दिया। अगर 22 अगस्त तक नाबालिग किशोरी का कोई पता पुलिस नहीं लगा पाती तो भीम आर्मी के बैनर तले पूर्वा क्षेत्राधिकारी के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। समाचार एडुजेड के लिए उन्नाव से मनीषा यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है? क्या है मामला, किस लिए आई हो तहसील? मामला ये है कि 8 बजे हमारी लड़की स्कूल गई, इसके बाद स्कूल से स्कूल तक नहीं जा पाई, रत्ता से गायब कर दिया गया और हम लोग जानी स्कूल गई है। 1 बजे 2 बजे 4 बजे तक इंतजार किया, 4 बजे के बाद पता लगे कि सारे लड़के स्कूल से आ गए हैं। उसके बाद हम लोग जानकारी किया तब ढूंढा निकले, आज तक कोई सूचना नहीं निकल रही है। क्या गरीबों के लिए ये सुनवाई नहीं हो रही है? आपने एप्लीकेशन दिया थाने में, तहरीर डाले? हाँ। क्या कार्रवाई हुई अब तक? कोई कार्रवाई, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। एप्लीकेशन दिया है थाने में, निकल कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके बाद तहसील आई हो? हाँ, उसके बाद तहसील आए ना है सब दिन। जी मोनू कुमार रावत, पूर्वा विधानसभा भीम आर्मी भारत एकता मिशन से। आप किस लिए तहसील आए हैं, क्या है मामला? जी मैडम, एक हमारी बहन थी जिसको 29 तारीख को कुछ लोगों ने गायब कर दिया है, रतरसिया गाँव का है। उसमें आज तक FIR भी दिया किया है यहाँ पूर्वा में, अभी आज तक कोई वहाँ पे गया नहीं, कोई देखने नहीं गया। कोई इंस्पेक्टर है और एक इंस्पेक्टर है, वो गया था, वो जातिगत भावना से देखता है, वो हम ये दलित समाज की लड़की है इसलिए वो एक्शन नहीं ले रहा है, ना कि उस पर कोई कार्रवाई की है। पुलिस ने पैसा भी ले रखा है, ना कि कोई एक्शन लिया जा रहा है उस पर। तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पास सूचना गई लोगों ने की, तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन यहाँ पर आकर के तहसील में आज एक ज्ञापन दिया गया है और धरने को उसमें धरने का भी दिया गया कि 22 तारीख तक अगर हमारी बहन नहीं मिलती है तो 22 तारीख को यहाँ पे SO के यहाँ कोतवाली में आकर के वो धरना दिया जाएगा भीम आर्मी के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।